गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड वी हैव स्टडीड फर्स्ट टू मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। एज द नेम सजेस्टेड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन, इट मीन्स दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर पार्टिकल्स एंड गैंग पार्टिकल्स। जो ओर पार्टिकल्स हैं और गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के बेस पर यह मेथड जो है बेस्ड होता है। किस तरीके से बेस्ड होता है? आइदर और पार्टिकल्स और इम्प्योरिटी पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक, वन ऑफ दीज, दोनों में से या तो और पार्टिकल्स या फिर इम्प्योरिटीज, दोनों में से एक मैग्नेटिक होगा और जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा पार्ट जो वो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा। तो आइदर इम्प्योरिटी और पार्टिकल्स आर मैग्नेटिक ऑफ द मेटल ओर, देन दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्ट फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक पार्ट ऑफ द मेटल ओर। कैसे है तो लिखेंगे इसमें, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन, बेस्ड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ और पार्टिकल्स एंड गैंग पार्टिकल्स। और के जो पार्टिकल्स हैं और गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के बेस पर ये मेथड बेस्ड होता है। इन दिस मेथड आइदर और पार्टिकल्स और गैंग पार्टिकल्स दोनों में से एक, इन दोनों में से एक जो है इज मैग्नेटिक एंड अदर पार्ट इज नॉन मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल, किन और के लिए यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज लाइक आयरन एंड मैग्नीज, टंगस्टेट। फॉर्मूला क्या है? आयरन टंगस्टेट का FeWO4 और MnWO4, दीज आर मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज लाइक आयरन एंड मैग्नीज टंगस्टेट फ्रॉम टिन स्टोन। टिन स्टोन का फॉर्मूला क्या है? SnO2। तो SnO2 जो है, ये जो और है SnO2, टिन का और है, इसमें से मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। अनदर एग्जांपल है, दिस इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट क्रोमाइट और पार्टिकल्स FeCr2O3, दिस इज द क्रोमाइट और फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट और क्रोमाइट और का फॉर्मूला है
विच इज मैग्नेटिक, दिस इज यूज टू सेपरेट क्रोमेट और पार्टिकल्स विच आर मैग्नेटिक फ्रॉम दोज ऑफ नॉन मैग्नेटिक सिलिकस इम्प्योरिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के डिफरेंस के बेस पर काम करता है और इसमें या तो गैंग पार्टिकल्स या फिर और पार्टिकल दोनों में से एक जो है वो मैग्नेटिक होगा और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होगा। जैसे कि एग्जांपल में हमने पढ़ा है कि टिन स्टोन जो है नॉन मैग्नेटिक है, इसमें से मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। क्रोमाइट और के पार्टिकल जो मैग्नेटिक है उसमें से सिलिका SiO2 की जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। और इस मेथड में यूज होने का जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो क्या है, लेट अस सी। डियर स्टूडेंट, यू कैन सी दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ टू रोलर्स, आउट ऑफ वन इज मैग्नेटिक एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक। इस मेथड के अंदर दो रोलर होते हैं और एक रोलर जो है मैग्नेटिक है, दूसरा रोलर क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। देन पाउडर और जो है इट इज अलाउड टू रोटेट ऑन द कन्वेयर बेल्ट। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, यहां से पाउडर और को डाला जाता है और कन्वेयर बेल्ट जो है यानी कि रोटेटिंग बेल्ट है, इसके ऊपर रोटेट करने के लिए मूव कराया जाता है। तो और मेटल और जो भी है उसके दो पार्ट है, इम्प्योरिटी एंड और पार्टिकल्स। द पार्ट ऑफ और विच इज मैग्नेटिक फोर्स नियर द रोलर, देखो मैग्नेटिक रोलर है और जो भी पार्ट उसका मैग्नेटिक होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट विल फॉल नियर टू द मैग्नेटिक रोलर, एंड अदर पार्ट विच इज नॉन मैग्नेटिक दैट विल फॉल्स ऑफ फारदेस्ट, यानी कि वो दूर जाकर के गिरता है। इस तरीके से मेटल ओर के साथ में जो इम्प्योरिटी है दोनों में से जो पार्ट मैग्नेटिक है वो रोलर के पास गिरता है, जो पार्ट नॉन मैग्नेटिक है वो दूर गिरता है। इस तरीके से जो है सेपरेशन की जाती है। सो नेक्स्ट इज फोर्थ मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन। फॉर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रोथ फ्लोटेशन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो मेथड है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस के ऊपर बेस्ड होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ और पार्टिकल्स एंड मैट्रिक्स पार्टिकल्स विद वाटर एंड ऑयल। वाटर और ऑयल के साथ में वेटिंग एबिलिटी, वेट गीला होना, तो गीला होने की एबिलिटी का जो डिफरेंस है उसके ऊपर ये प्रिंसिपल काम करता है, ये प्रोसेस काम करता है। जनरली क्या होता है, जनरली सबसे पहले देखेंगे ये मेथड किसके लिए यूज होता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। किसके लिए इसको यूज करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए इस मेथड को यूज करते हैं, इस प्रोसेस को यूज करते हैं। अभी देखो हमने बोला है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन वेटिंग डिफरेंस इन वेटिंग एबिलिटी ऑफ और पार्टिकल्स और गैंग पार्टिकल्स, और या गैंग पार्टिकल्स की वेटिंग एबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। किसके साथ में, वाटर एंड ऑयल के साथ में। तो यहां पर अब देखें, यहां पर जनरली क्या होता है, जनरली और पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशली वेटेड बाय ऑयल, वेयर एज इम्प्योरिटीज आर
वेटेड बाय वाटर। तो यहां पर एग्जाम्पल हम मिलेंगे, एग्जाम्पल में किस और के लिए दिस मेथड इज यूज, दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस व्हाट वी डू, इन दिस प्रोसेस पाउडर ओर इज मिक्स विद वाटर टू फॉर्म ए सस्पेंशन। फर्स्टली पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विद वाटर, इज मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म सस्पेंशन, टू फॉर्म सस्पेंशन। देन इन दैट सस्पेंशन देन कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स आर एडेड, फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स आर एडिड टू इट, आर एडिड टू इट। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी सल्फाइड ओर है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर कलेक्टर्स और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं। इस प्रोसेस में जो यूज होने वाला डायग्राम है पहले उसको डिस्कस करते हैं। लेट अस सी द डायग्राम यूज इन दिस प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज द डायग्राम फॉर फ्रोथ फ्लोटेशन। इन दिस ग्राफ यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम दिस साइड पाउडर्ड और प्लस वाटर प्लस आयरन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस इज द सस्पेंशन ऑफ और विद वाटर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ से पाउडर्ड और का सस्पेंशन जो है आ रहा है यहाँ से, साथ में हमने ऑयल भी मिक्स किया हुआ है, ऑयल जो है कलेक्टर जो हम लेंगे यहाँ पे कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर सॉलिड। अभी आपको बताएंगे कलेक्टर्स क्या, पहले लिख देते हैं कलेक्टर्स क्या है। कलेक्टर्स कौन कौन से, पाइन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल और जेंथेट्स आर यूज्ड टू एनहेंस द नॉन वेटिंग एबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल पार्टिकल्स जो है उनकी कलेक्टर हमने ऐड किया है तो नॉन वेटिंग एबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल, ताकि वाटर के साथ वेट ना हो, ऑयल के साथ वेट हो, उनकी वेटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वाटर के साथ मिक्स ना होने की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको यूज किया जाता है। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड टू स्टेबलाइज द फ्रोथ। और इसमें क्या यूज करते हैं, जनरली एनिलीन और क्रिसोल। एनिलीन जो होता है NH2 होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, क्रिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 और OH ग्रुप लगा होता है, बेंजीन रिंग है OH एंड CH3, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोमिथाइल फिनोल भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का यूज करते हैं। अब होता है क्या, ध्यान से देखेंगे पाउडर और या सस्पेंशन के यहां से ऐड करते हैं, यहां से रोटेटिंग पैडल्स है और साथ में एयर पास कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस, एयर बबल जब यहां से आएंगे तो उसमें क्या होगा कि पाउडर्ड ओर के साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है, इंप्योरिटीज है, तो वहां से जो और पार्टिकल्स है, और पार्टिकल लाइटर होने की वजह से और ऑयल के साथ वेट होने की वजह से क्या होगा, ऑयल के साथ जब एयर पास करेंगे तो फ्रोथ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फ्रोथ बनती है और उस फ्रोथ के साथ लाइट और पार्टिकल जो है फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं, हैवियर इम्प्योरिटी पार्टिकल जो वो नीचे रह जाते हैं, टैंक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं,
तो उससे क्या होगा, लाइटर ओ पार्टिकल्स कम ऑन द टॉप अलोंग विद द फ्रोथ एंड देन फ्रोथ इज स्कीम्ड ऑफ, फ्रोथ को ऊपर से उतार दिया जाता है इन अनदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में उतार दिया जाता है। और उसके साथ ही क्या होता है, फिर यहां से उतारने के बाद फिर उसमें एसिड ऐड कर दिया जाता है टू रिमूव द फ्रोथ, फ्रोथ को रिमूव करने के लिए और उन और पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। इस तरीके से यहां से कंसंट्रेटेड और को सेपरेट कर लिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें लिखे आगे कि यहां से हमने देखा कि फ्रोथ स्टेबलाइजर्स ऐड कर दिया है, कलेक्टर्स को भी ऐड कर दिया है। देन व्हाट हैपेंस व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द सस्पेंशन, देन बबल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देन एयर मिक्स विद वाटर, एयर मिक्स विद ऑयल टू फॉर्म फ्रोथ, फ्रोथ के साथ क्या होगा, फिर लाइट और पार्टिकल जो है वो ऊपर आ जाते हैं और फ्रोथ के साथ ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। देन फ्रोथ इज स्कीम्ड ऑफ इनटू अनदर कंटेनर, देन एसिड इज एडेड टू रिमूव द फ्रोथ, इन दिस वे इम्प्योरिटी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द बॉटम एंड और पार्टिकल्स आर सेपरेटेड अलोंग विद द फ्रोथ एंड देन फ्रोथ इज रिमूव्ड बाय यूजिंग एसिड्स। व्हेन एयर इज पास्ड टू सस्पेंशन, इट फॉर्म्स फ्रोथ विद ऑयल एंड लाइटर और पार्टिकल्स राइजेज अप अलोंग विद फ्रोथ एंड हैवियर इम्प्योरिटी पार्टिकल्स remains at bottom, then all particles from froth are skimmed off into another container and acids are added to remove froth and hence concentrated or is separated, concentrated or is separated। So dear students, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड और ऐड किया जाता है, डिप्रेसेंट्स आर ऑल्सो यूज, डिप्रेसेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू सेपरेट पार्टिकुलर सल्फाइड और फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रिवेंटिंग इट्स वेटिंग। एग्जाम्पल इज NaCN, सोडियम साइनाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि और पार्टिकल्स जो है सल्फाइड और जो हम ले रहे हैं उसमें मिक्सचर ऑफ सल्फाइड और यूज हो जाता है, तो हम मिक्सचर ऑफ सल्फाइड जनरली जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोडियम साइनाइड जो डिप्रेसेंट है इसका यूज करते हैं, मिक्सचर में से पार्टिकुलर सल्फाइड और को सेपरेट कर देते हैं, कैसे, उसको वेट नहीं होने देता, किसके साथ, ऑयल के साथ। तो एक पार्टिकुलर जो सल्फाइड और है वो तो ऑयल के साथ वेट हो जाएगा, दूसरा जो है वो ऑयल के साथ वेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डिप्रेसेंट्स है वो प्रिवेंट कर देते हैं उसकी वेटिंग एबिलिटी को। तो कैसे, सोडियम साइनाइड जो है इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि लेड सल्फाइड PbS और जिंक सल्फाइड ZnS जो है, इन दोनों का मिक्सचर अगर लें तो उस केस में सोडियम साइनाइड डिप्रेसेंट डालने से क्या होगा कि सोडियम साइनाइड जो है ये कैसे प्रिवेंट करते हैं,
इट फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विद द जिंक सल्फाइड ओर्स, जिंक सल्फाइड के ओर पार्टिकल के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और दैट कॉम्प्लेक्स फ्लोट्स, उसकी एक लेयर बन जाती है, वो फ्लोट करता है और वो जो है लेड सल्फाइड जो है उसकी वेटिंग हो जाती है ऑयल के साथ और वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉस्ट फ्लोटेशन में, जबकि जो है जिंक सल्फाइड कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से वेट नहीं हो पाता, इस तरीके से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो उसमें देखेंगे किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है, लेट अस सी केमिकल रिएक्शन। सुनिए स्टूडेंट्स, NaCN फॉर्म्स ए लेयर ऑफ जिंक कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने बताया था कि NaCN जो है एक जिंक कॉम्प्लेक्स की लेयर बना लेता है, किसकी, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट की, किसकी सरफेस के ऊपर, ZnS के ऊपर, इसलिए उसको फ्रोथ फॉर्मेशन से प्रिवेंट कर देता है। रिएक्शन कैसी होगी, NaCN डिप्रेसेंट है, जिंक सल्फाइड ओर है, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट और ये सोडियम सल्फाइड, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये कॉम्प्लेक्स जिंक सल्फाइड की लेयर के ऊपर, उसके ऊपर लेयर बना लेता है और फ्रोथ फॉर्मेशन से प्रिवेंट हो जाता है। उसके बाद जो PbS है बच जाता है, वो फ्रोथ फॉर्मेशन करता है और फ्रोथ के साथ में सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से मिक्सर में से PbS और ZnS के मिक्सर में से PbS फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कर देता है और सेपरेट हो जाता है और जिंक सल्फाइड को प्रिवेंट कर दिया जाता है बाय यूजिंग डिप्रेसेंट्स। नेक्स्ट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, लीचिंग। लीचिंग मेथड इज केमिकल मेथड एंड इज यूजफुल, ये उन केसेज में यूजफुल है इन विच और पार्टिकल्स आर सोल्यूबल इन पार्टिकुलर सूटेबल सोलवेंट, जिसमें और पार्टिकुलर सूटेबल सोलवेंट में सोल्यूबल हो, इस मेथड पे काम करता है। इस मेथड में पाउडर ओर को सर्टेन रिएजेंट, सूटेबल रिएजेंट या सोलवेंट के साथ ट्रीट करते हैं विच कैन सिलेक्टिवली डिजोल्व, और जो सिलेक्टिवली ओर को डिजोल्व कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को नहीं। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। गोल्ड एंड सिल्वर की जो लीचिंग है दैट इज बिल्कुल जो है सिमिलर है, वेरी सिमिलर, और हम यहाँ पर अभी गोल्ड और एल्यूमिनियम की या सिल्वर और एल्यूमिनियम की कोई दो जो है लीचिंग करेंगे। अभी आपने देखा होगा फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू द लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम में आपने पढ़ा है कि स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम जो है इट इज प्रेजेंट मेनली इन टू फॉर्म दैट इज बॉक्साइट एंड क्ले, और फिर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो और है उसमें से एक्सट्रैक्शन मेटल का इजीली होता है, कन्वीनियंटली होता है, तो बॉक्साइट और में से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्ट करना इजी और कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू क्ले। सो वी विल स्टडी लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट और एंड दैट इज कॉल्ड एज बेयर प्रोसेस, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एज यू नो एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन बॉक्साइट और एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिनियम फॉर्मूला क्या Al2O3 है, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3.2H2O। बाय यूजिंग बेयर प्रोसेस हम जो इसको सेपरेट करेंगे, और कंसिस्ट और के अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सिलिका, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। इस मेथड में मेनली हम क्या करते हैं, हमने जैसे कि लीचिंग का प्रिंसिपल ये पढ़ा था कि इसमें और पार्टिकल जो है सिलेक्टिवली पार्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, उसमें सोल्यूबल होते हैं, तो यहाँ पर जो रिएजेंट हम ले रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस मेथड पाउडर ओर इज ट्रीटेड विद एल्कली NaOH, किस टेम्परेचर पर, 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 35 टू 36 बार प्रेशर टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। पहले जो है एल्यूमिना जो पाउडर ओर में से एल्यूमिना Al2O3 जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, फिर उसमें CO2 गैस पास करते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए, और उससे क्या बनता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना बनेगा Al2O3.XH2O। फिर हाइड्रेटेड साल्ट को हीट करेंगे 1470 केल्विन पर, उस केस में वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव हो जाएगा, प्योर एल्यूमिना सेपरेट हो जाता है। कैसे, एल्यूमिना फ्रॉम द ओर रिएक्ट विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये कंडीशन है रिएक्शन की, यहां से क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, दिस सोडियम और साथ में जो इम्प्योरिटीज है कैसे रिमूव होती है, देखो सिलिका प्लस NaOH का सोडियम सिलिकेट बना है, ऐसे यहां पर अगर आयरन ऑक्साइड है उसको रिमूव करते हैं तो आयरन का कंपाउंड बन जाता, उस तरीके से इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, तो सिलिका प्लस NaOH सोडियम सिलिकेट की फॉर्म में इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, फिल्टर करके रिमूव कर दिया जाता है।
फिर सोडियम एल्यूमिनेट को CO2 गैस पास करके न्यूट्रलाइज किया जाता है, इट फॉर्म हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है अलोंग विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी प्रेसिपिटेट बनके फिल्टर होने के बाद सेपरेट हो जाता है। उसके बाद हाइड्रेटेड एल्यूमिना को 1473 केल्विन हीट टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो प्योर एल्यूमिना सेपरेट हो जाता है और इस तरीके से वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव हो जाता है। सो लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर।